हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपना चैनल वांसिंग टेक्निकल में। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि समग्र आईडी की केवाईसी के चलते हुए बहुत सी परेशानियां आ रही हैं। जैसे कि किसी के आधार कार्ड लिंक हो गया है, किसी का आधार कार्ड किसी आईडी में लिंक हो गया है, तो किसी का आधार कार्ड में किसी की आईडी लिंक हो गई है। तो चलिए आज उसी का सॉल्यूशन लेके आए और हम चलते हैं गूगल पर। यहाँ पर टाइप करेंगे समग्र पोर्टल या समग्र आईडी। सो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आएगा समग्र पोर्टल, हम इसी पर क्लिक कर देंगे और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये एक केवाईसी का पॉपअप दिखेगा। इसको क्रॉस कर देंगे और नीचे चलेंगे स्क्रॉल करते हुए, तो यहाँ पर समग्र प्रोफाइल अपडेट करें पर फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है आधार डी लिंक। आधार डी लिंक करने के लिए अनुरोध करें, तो सिंपली हमको इसी पर क्लिक करना होगा। और इस पर क्लिक करने के बाद में कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा और हमको दो ऑप्शन मिलेंगे इसमें। एक तो आवेदक की समग्र आईडी से किसी अन्य आधार कार्ड को डीलिंक करने के लिए, या दूसरा ऑप्शन है आवेदक के आधार कार्ड को किसी अन्य व्यक्ति की आईडी से डीलिंक करने के लिए। तो हम यहाँ पर सेकंड नंबर चूज़ करेंगे, जो कि हमारा आधार कार्ड किसी अन्य समग्र आईडी में लिंक हो गया, तो इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर फिल करेंगे उस आईडी को जो किसी अन्य व्यक्ति की है जो हमारे आधार कार्ड में लिंक हो गई है, तो यहाँ पर हम उसको फिल कर लेंगे। इसके बाद में उस अपने आधार कार्ड में जो भी हमारा नंबर लिंक है उसको फिल कर लेंगे और यहाँ पर कैप्चर फिल कर लेंगे। जो भी यहाँ पर कैप्चर दिखता है आपको वही फिल करना, क्योंकि ये हर बार बदलता है। इसके बाद ओटीपी भेजने पर क्लिक करेंगे और इसके बाद में आपके मोबाइल स्क्रीन पर कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। तो दोस्तों, हमारा आधार कार्ड पहले से ही डीलिंक प्रक्रिया में चल रहा है, आपका इसी प्रकार से होगा। और यहाँ पर आपको आधार कार्ड डीलिंक का सफलता के पूर्वक डीलिंक हो जाएगा और आपको यहाँ पर डीलिंक पावती डाउनलोड कर लेना है। और इस डाउनलोड पावती को आप अपने सचिव को दिखला दीजिएगा और उससे कहिएगा कि आगे की प्रक्रिया कर दीजिएगा। वो आपकी इस पावती के आधार पर आगे की प्रक्रिया पूर्ण कर देगा और आपका आधार कार्ड डीलिंक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना और हमारे चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।